हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एक फर्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इसमें क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज अ नंबर दैट इज रेज टू द पावर 2। यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर हमारी 2 है तो वहां पे उसका मतलब क्या हो जाता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर है। जैसे कि मान ले कि 4 एक हमने ले लिया कोई नंबर, इसकी पावर कितनी है 2, यानी कि 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको 2 टाइम लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आता है 16। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वी सी दैट द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो यही बात यहाँ पे की थी, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है हमारा। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर नंबर कि क्या होता है। ए नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखना है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर रूट इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब देखो डेफिनेशन को एक बार ऐसे समझो पहले कि क्या बोला गया डेफिनेशन में। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई कितनी आप 2 टाइम करना है तो 1 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे 4 आएगा। ऐसे ही हमने ये 10 तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 रेज टू द पावर 2। तो अगर हमने 1 किसी का स्क्वायर किया तो वो तो होता है हमारा स्क्वायर्स। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट स्क्वायर की कि स्क्वायर रूट क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर मतलब। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आ गया 2 रेज टू द पावर 4, तो 4 जो है यहाँ पे नंबर हमारा, यहाँ पे जो ये हमारा 4 आया है, इसका मतलब यहाँ पे 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 2 रेज टू द पावर 2 किया तो हमारा 4 आ गया। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा या फिर 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या है। देखो नीचे बोला गया है कि इट फॉलोज दैट ईच ऑफ द नंबर 1, 4, 9, 16 ये सब नंबर हमारे इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ द नंबर इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सब हमारे क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला गया है मेन बात है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब स्क्वायर तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हम इजिली कर सकते हैं, कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट में बहुत कंफ्यूजन होता है और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है आप सभी को। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 16, मैंने तो 16 लिख दिया। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ इसका मतलब क्या हो जाता है, 16 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट क्या होगा फिर यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 256 लिख दिया 256। यहाँ पे भी तो हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो यही सब हमें देखना है कि कौन हमारा स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहा है या फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट। देखो हम क्या है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल, या फिर यहाँ पे सिंबल के बाहर ये 2 लिखा हो, ये दोनों ही हमारा स्क्वायर रूट के सिंबल हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ध्यान रखना है 9 हमने इसको रूट में लिख लिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया मतलब इसका सिंबल, क्योंकि अगर चाहे तो हम ये पूरी लाइन लिखे या फिर ये लिखे दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी ये कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, अभी देख लेते हैं, चलो यहीं पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 है, हमें यहाँ पे क्या करना है 9 का एचसीएफ ले लेते हैं हम, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, हमने ये पेयर लिखा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, और जब भी आपका रूट में सेम वैल्यू आती है उन सेम वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 3। ऐसे ये 16 के लिए दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल है कि फाइंड वेदर 676 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें ये बताना है कि जैसे ये हमें 676 दिया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे।
हमें सबसे पहले इस वैल्यू का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ये एचसीएफ फाइंड क्या हुआ है, एचसीएफ फाइंड करना सभी को आता है। अब जब हमने एचसीएफ फाइंड किया, ये सब वैल्यू हमने लिख लिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका पेयर बना देना है। ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर। अगर पेयर बनाते हुए कोई वैल्यू रह जाती है, अगर पेयर बनाते हुए मान ले कि यहाँ पे एक और वैल्यू होती है, उसको कोई पेयर नहीं होता, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पेयर बन रहे हैं, मतलब 676 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने ये लिखा है कि वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 676 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स कम्प्लीटली। तो इसलिए हमारा जो 676 हो गया वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अभी ये सिर्फ हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है।